पैशन की संगीत को चाहने वाले सभी संगीत प्रेमियों को एक बार फिर मनोहर सोनी का और बैक ऑफ द स्टेज मधु सोनी का सादर नमस्कार। दोस्तों आज हम फिर आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं अपना एक और प्रोग्राम लेके। आज दुनिया और देश के भारतीय सिनेमा के महान कलाकार किशोरदा का जन्मदिन है और किशोरदा को अपने स्वरों के माध्यम से श्रद्धांजलि देने का पैशन के कलाकारों ने निश्चय किया। इसी कार्यक्रम को लेकर हम आप सबके सामने उपस्थित हुए जो पैशन स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था और आज लाइव स्ट्रीमिंग आप सबके लिए हम कर रहे हैं। दोस्तों ये मध्य प्रदेश और हम सबका सौभाग्य है कि किशोरदा का जन्म मध्य प्रदेश के ही खंडवा शहर में हुआ था और 4 अगस्त मतलब आज का ही दिन 1929 का वर्ष था और एक बंगाली परिवार में ये किशोरदा जन्मे थे। इनके दो भाई जैसा आप सब जानते हैं अशोक कुमार साहब और अनूप कुमार साहब इनके दो भाई थे और इनका नाम वैसे एक्चुअल आभास कुमार गांगुली था पर फिल्मों में प्रसिद्ध नाम इनका किशोर कुमार हुआ। आप सबको पता ही है कि किशोर दा हिंदी फिल्म जगत के सबसे सफल पार्श्व गायकों में से एक थे। इसके साथ ही वो अभिनेता गीतकार संगीतकार निर्माता निर्देशक और पटकथा लेखक भी थे। हिंदी फिल्मों में गाने के अलावा उन्होंने बंगाली मराठी असम गुजराती कन्नड़ भोजपुरी मलयालम उड़ीसा और उर्दू आदि कई भाषाओं में गीत गाए हैं और सर्वश्रेष्ठ गायकी के लिए उन्हें कई बार पुरस्कार भी मिले। तो अपने गीतों के दौरान हम किशोरदा के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करते रहेंगे। हमने पहला जो गीत लिया है आप सबको सुनाने के लिए वो है फिल्म सीता और गीता से जो 1972 में रिलीज हुई थी। ऑन स्क्रीन हेमा मालिनी जी और संजीव कुमार साहब इसमें नजर आते हैं और इस गीत को किशोरदा के साथ आशा भोसले जी ने अपनी आवाज़ दी है। आनंद बख्शी साहब ने इस खूबसूरत से गीत को लिखा है और आर डी बर्मन साहब का संगीत है। तो आइए मेरी और हमारी मोस्ट टैलेंटेड रूमा जी की आवाज़ में गीत प्रस्तुत है आप सबके लिए। अच्छा लगे तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर दीजिएगा। हवा के साथ साथ घटा के संग संग हवा के साथ साथ घटा के संग संग ओ साथी चल मुझे के साथ चल तू यूं ही दिन रात चल तू संभल मेरे साथ चल तू ले हाथों में हाथ चल तू ओ साथी चल एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना ला 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 ये मौसम है बड़ा सुहाना उसमें अपना दिल भी है दीवाना पर्वत से आके ना टकरा जाना तो बन के बादल ओ साथी चल मुझे के साथ चल तू यूं ही दिन रात चल तू समल मेरे साथ चल तू ले हाथों में हाथ चल तू ओ साथी चल बसने दे तू बनके काजल ओ साथी चल
अपनी रेशम जुल्फे लहराने दे, ला 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 ला, अपनी रेशम जुल्फे लहराने दे, मुझको अपनी बाहों में आने दे। ओ साथी चल, ला 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 दोस्तों। किशोर कुमार साहब के पिताजी एक वकील थे और इनका नाम कुंजीलाल गंगोपाध्याय था। इनकी माताजी का नाम गौरी देवी था। किशोर कुमार के दो भाई जो मैंने बताया आपको पहले ही, और चूंकि अशोक कुमार साहब और पहले से फिल्मों में जमे हुए थे और वो चाहते थे कि किशोरदा भी फिल्मों में आकर अभिनय करें, और चूंकि वो किशोरदा से 18 साल बड़े थे तो सीनियर भी बहुत थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि किशोरदा फिल्मों में काम करें। किशोरदा ने बहुत सारी फिल्मों में काम भी किया है, उन्हें कॉमेडी टाइप के रोल्स बहुत ज़्यादा पसंद आते थे, लेकिन उनका मन फिल्मों में अभिनय से ज़्यादा गायकी में था। बाद में उन्होंने गायकी को स्थायी रूप से अपना कैरियर बना लिया और बहुत सारे गाने हम उनके सुनते रहते हैं। आइए अगला गीत जो हमने लिया है वो फिल्म मजबूर से है, जो 1974 में रिलीज हुई थी। अमिताभ बच्चन साहब और परवीन भाभी जी इस फिल्म में लीड रोल में थे, का संगीत है और आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को लिखा है। और हमारे एक बहुत ही नए कलाकार जो डेब्यू कर रहे हैं पैशन के साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से, अनिल, प्रोफेसर अनिल कुमार यादव जी, जो दमोह में कॉलेज में प्रोफेसर हैं और संगीत के बेहद शौकीन और गजब के शौकीन हैं, और किसी माध्यम से उनका हमारा परिचय हुआ और वो फौरन हमारे स्टूडियो आए। आइए सुनते हैं उनकी आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गीत, आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है। कभी सोचता हूँ कि मैं कुछ कहूँ, कभी सोचता हूँ कि मैं चुप रहूँ। आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है आदमी जो देता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। प्यार के रिश्ते टूटे तो, प्यार के रिश्ते झूठे तो, रास्ते में फिर वफाएं पीछा करती है। आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। We'll be right back.
मन भूख के कारण तरसता है, कभी कभी फिर झूम के सावन बरसता है। पलक झपके यहाँ मौसम बदल जाए, प्यास कभी मिटती नहीं, भूख भी मिलती नहीं, और कभी हिम घटाएं भी जागती है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी पर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी पर वो दुआएं पीछा करती है। दोस्तों, किशोर कुमार साहब ने 90 से भी अधिक फिल्मों के लिए गाने गाए। अभिनेता राजेश खन्ना, संगीतकार आर डी बर्मन और मोहम्मद रफ़ी उनके बेहद करीबी मित्र थे। हमारा जो अगला गाना है वो हमने लिया है फिल्म जीवन साथी से, जिसमें किशोर कुमार की आवाज़ है। इस गीत में राजेश खन्ना साहब के साथ तनुजा जी नज़र आती हैं, आपको याद होगा। ओ मेरे दिल की चैन, ये गीत है। आर डी बर्मन साहब ने इसमें संगीत दिया है और कंपोज भी ऑफकोर्स उन्हीं ने किया है। तो ये सुनते हैं हमारे बहुत ही हरफन मौला कलाकार सलील भैया की आवाज में ये प्यारा सा गीत, ओ मेरे दिल के चैन। ओ मेरे दिल के
चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन दोस्तों, किशोर कुमार साहब को बड़े भाई अशोक कुमार साहब के कारण 1946 में पहली फिल्म शिकारी में अभिनय करने का मौका मिला। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 17 साल की थी और एक गायक के रूप में उन्होंने 1948 में फिल्म जिद्दी के लिए गीत गाया जिसके बोल थे, मरने की दुआएं क्यों मांगू। अगला गीत जो हमने लिया वो फिल्म कभी कभी से लिया है, जिसे संगीतबद्ध किया है खयाम साहब ने। साहिर लुधियानवी जी ने इसकी इस गीत को लिखा है और ये गीत रिलीज हुआ था, ये फिल्म रिलीज हुई थी 1976 में। यश चोपड़ा साहब का प्रोडक्शन था। कभी कभी आपको याद होगा मल्टी स्टार मूवी थी, यश चोपड़ा साहब अक्सर मल्टी स्टार मूवीज बनाते थे। तो इस गीत को सुनते हैं मेरी और हमारी मोस्ट टैलेंटेड यंगेस्ट सिंगर रिया की आवाज़ में। तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देंगे, नजारे हम क्या देंगे।
दोस्तों किशोर कुमार साहब की आवाज़ ही ऐसी थी कि उनके गीतों को हर कोई गाना चाहता है। बहुत सारे गायकों का मैं कहता हूँ, बहुत ज़्यादा गायकों का जो शौकिया हों या प्रोफेशनल हों, उन सब की शुरुआत किशोरदा के गीतों से ही हुई होगी। ऐसे में हमारी मोस्ट टैलेंटेड रोमा जी का भी मन हुआ, वो किशोरदा का एक गाना गाए जो किशोरदा ने ओरिजिनली गाया। ये गाना हमने लिया है फिल्म अमर प्रेम से, और आडी बर्मन साहब का ही संगीत है, आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को लिखा है, लेकिन आज इस गीत को रोमा बनर्जी जी आपको सुना रही है पैशन की ओर से। तो आइए एंजॉय करें ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ।
1949 में किशोरदा फिल्म उद्योग में पूरी तरीके से जम गए थे। 1951 में फिल्म आंदोलन और 1954 में नौकरी और 1957 में मुसाफिर जैसे फिल्मों में मुख्य भूमिकाओं को भी उन्होंने निभाया। किशोर कुमार साहब की आंतरिक प्रतिभा पार्श्व गायकी में थी और हम सब जानते हैं। फिल्म मसाल के दौरान एसडी बर्मन साहब ने उनका बखूबी इस्तेमाल किया, जिसके बाद किशोरदा ने कई फिल्मों जैसे 1954 में मुनी जी, 1957 में 9-2-11 आदि के लिए गीत गाए। अगला गीत जो हमने लिया है वो फिल्म कामचोर से लिया है, जो 1982 में रिलीज हुई थी। राजेश रोशन साहब का इसमें संगीत है, किशोर कुमार साहब के साथ इसमें लता जी ने अपनी आवाज़ दी है। और आज हमारे शो में इस गीत को गा रहे हैं हमारे पैशन के, जिनको हम अमिताभ बच्चन कहते हैं, दुर्गेश गर्ग जी, और उनका साथ दे रही हैं छिंदवाड़ा से पधारी रचना तिवारी जी। आइए सुनते हैं ये गीत, तुझ संग प्रीत लगाई सजना। तुझ संग प्रीत लगाई सजना, तेरे हाथों में मेहंदी लगा दूं, गोरी गोरी बाहों पे कंगना चढ़ा दूं, काली घटाओं का कजरा लगा दूं, काली घटाओं का कजरा लगा, एक तू ही मन को है भाई सजना 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 हो रामा।
हमने अगला गीत जो आप सबको सुनाने का के लिए चयन किया है वो फिर एक बार प्रोफेसर अनिल कुमार यादव जी की आवाज़ में है। फिल्म सत्ते से सत्य पे सत्ता से लिया हुआ एक गीत है और अनिल कुमार यादव जी, जैसा मैंने आपको बताया, संगीत के बड़े ही शौकीन हैं और वो अपना पहला कार्यक्रम मतलब डेब्यू कर रहे हैं पैशन के साथ और बड़ी खूबसूरत आवाज़ के साथ और बहुत मस्त गायकी उनकी मुझे महसूस हुई। हालाँकि ये बहुत उनकी जो संगीत के प्रति शौक है वो बहुत ही शानदार है। आइए सुनते हैं दिलवन मेरे प्रोफेसर अनिल कुमार यादव जी की आवाज में। महकने लगोगे तुम मेरी बाहों में आ
जाकर बहकने लगोगे ओ दिल मचल जाएगा प्यार हो जाएगा दिल मेरे कब तक मुझे ऐसे ही चढ़ पाओगे मैं आग दिल में लगा दूँगा कि पल में उजल जाओगे एक दिन मुझे ऐसे ही तड़ पाओगे मैं आग दिल में लगा दूँगा पल में निकल जाओगे दोस्तों अभिनय में कॉमेडी भूमिकाओं में किशोरदा को लोग बहुत पसंद करते थे जिसमें से उनकी कुछ फिल्मों के नाम हैं 1957 में नई दिल्ली 1958 में आशा चलती का नाम गाड़ी 1962 में हाफ टिकट और 1968 में पड़ोसन है जो अगला गीत हमने लिया है वो उनकी फिल्म थी 1957 में रिलीज हुई मतलब 1957 में रिलीज हुई ये फिल्म है पेइंग गेस्ट जिसमें एसडी वर्मन साहब का संगीत है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने इस गीत को लिखा है और इसमें किशोरदा के साथ आशा जी ने अपनी आवाज़ दी है और यहाँ पैशन के इस कार्यक्रम में मेरे साथ ये गीत गा रही हैं हमारी मोस्ट टैलेंटेड और सीनियर सिंगर पूर्णिमा अग्रवाल जी जमाना क्या कहेगा हो छोड़ दो आजकल जमाना क्या कहेगा हा हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना दीवाना क्या कहेगा हो छोड़ दो आजकल जमाना क्या कहेगा हा हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना दीवाना क्या कहेगा छोड़ दो आजकल जमाना क्या कहेगा इतना तो सोचिए मौसम सुहाना क्या कहेगा ओ छोड़ दो आजकल जमाना क्या कहेगा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना दीवाना क्या कहेगा छोड़ दो आजकल जमाना क्या कहेगा बेगाना क्या कहेगा ओ छोड़ दो आजकल जमाना क्या कहेगा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना दीवाना क्या कहेगा छोड़ दो आजकल जमाना क्या कहेगा
एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा। ओ, 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 छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। दोस्तों जो हमने अगला गीत लिया वो फिल्म हिम्मत वाला से लिया है, जो हमने कुछ दिनों पूर्व एक कार्यक्रम में गाया था, लेकिन आज अपने इस कार्यक्रम में इसे शामिल कर रहे हैं। इस गीत में मेरे साथ नीतू पटेल जी ने अपनी आवाज़ दी है। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना भी दिल आ गया। सजी दिल आ गया, ये सजी दिल आ गया।
दोस्तों 1960 का दशक किशोर कुमार साहब के लिए एक मिश्रित अवधि का दशक था। इस अवधि में उन्होंने कई गाने हिट किए। उनके गाने हिट हुए जिसमें 1964 की फिल्म गाइड का गाना गाता रहे मेरा दिल, 1967 की फिल्म ज्वेलरी का गाना ये दिल ना होता बेचारा आदि शामिल है, और ये गीत आज भी हम सब गुनगुनाते हैं, गाते रहते हैं। अगला गीत जो हम आपको सुनाने वाले हैं वो है फिल्म लहू के दो रंग से लिया हुआ गीत है, जिसकी लिरिक्स लिखी है फारूक कैसर साहब ने और बपीदा का इसमें संगीत है। विनोद खन्ना साहब और शबाना आजमी जी के ऊपर ये गीत फिल्माया गया है और 1979 में फिल्म रिलीज हुई थी। आइए सुनते हैं पैशन के हमारे दबंग आवाज़ के गायक चंद्रशेखर भैया इसमें अपनी आवाज़ दे रहे हैं। आइए एंजॉय करते हैं चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए। मेरा सामना मेरी नजर
दिल को थामना, अरे कोई हंसी कर न सका मेरा सामना। मेरी नजर जादू भरी दिल को थामना। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली, छोकरी लो अरे बजाओ ताली। चाहिए थोड़ा प्यार, थोड़ा प्यार चाहिए, जाने मन गुल बदन मेरी बात मानिए। ला 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 दोस्तों, किशोरदा के बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम है, और बस हम तो उनको उनका अनुसरण करते हैं, उनकी आवाज़ का, उनके गीतों का। अगला गीत जो हमने लिया है फिल्म सागर से लिया है, सागर किनारे दिलिये पुकारे, और इस गीत को मेरे साथ गा रही हैं हमारी मोस्ट टैलेंटेड यंगेस्ट सिंगर रिया। आइए एंजॉय करें ये बहुत ही प्यारा सा गीत, सागर किनारे दिलिये पुकारे। किनारे दिल ये पुकारे,
दोस्तों आप सबको पता है कि किशोरदा ने चार शादियां की थी। पहली पत्नी उनकी रोमा घोष जी थी, दूसरी शादी उन्होंने मधुबाला जी से की, तीसरी शादी योगिता बाली जी से और चौथी शादी 1980 में लीला चंद्रावरकर जी के साथ हुई थी। तो उनका व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी आप सब बहुत जानते हैं। आइए हम अपने गीतों की ओर चलते हैं और अगला गीत जो हमने लिया है फिल्म चरस से, और इस गीत में किशोरदा के साथ लता जी ने अपनी आवाज़ दी है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बहुत ही शानदार संगीत है और आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को लिखा है। आइए सुनते हैं हमारे हरफन वाला कलाकार सलील भैया और मोस्ट टैलेंटेड रोमा जी की आवाज़ में प्यारा संगीत कल की हंसी मुलाकात के लिए। इस बारात के
मैं तो हूँ दीवाना, मैं ये नहीं जाना हमसे शर्म का क्या है बहाना। देखो पहले हम थी अजनबी, हो गई मगर अब दोस्ती, बदले हुए हालात के लिए आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं। हसीन मुलाकात के लिए आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं, अच्छा चलो सो जाते हैं, अच्छा चलो सो जाते हैं, अच्छा चलो सो जाते हैं। दोस्तों अगला गीत जो हमने लिया है वो गीत के बोल हैं, जीवन के दिन छोटे से ही हम भी बड़े दिल वाले। फिल्म बड़ी दिल वाला से ये गीत हमने लिया है जो 1983 में रिलीज हुई थी। टीना मुनीम जी और ऋषि कपूर साहब के ऊपर ये फिल्म आया गीत है। इसमें प्राण साहब भी नज़र आते हैं और आर डी बर्मन साहब का खूबसूरत सा संगीत है और आवाज़ ऑफकोर्स किशोर कुमार साहब की है। मजरूर सुल्तानपुरी जी ने इस गीत को लिखा है और हमारे यहाँ पैशन की ओर से इस गीत को हमारे डेब्यू करने वाले आज के कार्यक्रम में प्रोफेसर अनिल कुमार यादव जी इस गीत को आपको सुनाने वाले हैं। आप बहुत इंजॉय करेंगे ऐसा मेरी आशा है, और अगर आप सच में इंजॉय कर रहे हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। ला 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 ला। जीवन मन मन के दिल छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ सोचे तो हम मन वाले। जीवन मन के दिल छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ सोचे जो हम मत वाले। जीने का रंगीन मौसम ये खूबसूरत जमाना, जीने का रंगीन मौसम ये खूबसूरत जमाना, अपने ही चार पल है आगे है क्या किसने जाना। जीना जिसे आता है वो इनमें ही पास बना दे, कल की हमें फुर्सत कहाँ सोचे जो हम मत वाले। जीवन मन के दिल छोटे सही हम भी बड़े वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ सोचे जो हम मत वाले। ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, ये जिंदगी दर्द
तोड़ लाही न जाने जाने ये दिल जोड़ना भी इस जिंदगी का शुक्रिया सदके में ऊपर वाले कल की हमें फुर्सत कहा सोचे जो हम मत वाले जीवन मन के दे दे छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले कल की हमें फुर्सत कहा सोचे जो हम मत वाले ललला 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 ला 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 कल की हमें फुर्सत कहा सोचे जो हम मत वाले। अगला गीत हमने लिया है फिल्म तोहफा से, इसका टाइटल सॉन्ग प्यार का तोहफा तेरा बनाए जीवन मेरा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे दबंग आवाज के चंद्रशेखर भैया और उनका साथ दे रही है रूमा जी इस गीत में भी। तो आइए एंजॉय करें ये बहुत ही प्यारा सा गीत प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा। कस्तूरी सा तेरा बदन महकी महकी फिरती पवन हो जाके बिना जैसे हो तन तेरे बिना मैसी सजन कस्तूरी सा तेरा बदन महकी महकी फिरती पवन दौड़े मेरे मन का हिरन चूने को यो बन तेरा प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा दिल के सहारे मैंने पाले जीने को और क्या चाहिए प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा दिल के सहारे मैंने पाले जीने को और क्या चाहिए लाया लाया लाया
बस एक नाम है, दिल का मेरे पैगाम है। तो बस एक नाम है, दिल का मेरे पैगाम है। सारी नहीं तेरा प्यार है, सुहागन का ये श्रृंगार है। रेशम के रूप में तन से मेरे लिपटा हुआ मन तेरा ता, ता, ता। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पाले। का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए, जिनको और क्या चाहिए। तोहफा 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 दोस्तों, किशोर कुमार साहब का विवादों से भी कम नाता नहीं था। 1960 में उनका विवाद आयकर को लेकर हुआ था, उनके ऊपर आयकर की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। उसके बाद किशोरदा का विवाद अमिताभ बच्चन के साथ भी सुर्खियों में आया था। किशोरदा चाहते थे उनकी फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब एक गेस्ट अपीयरेंस करें, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती साहब के साथ भी उनका विवाद हुआ, उसका कारण उनकी पूर्व पत्नी योगिता बाली थी। देन आफ्टर उनका विवाद संजय गांधी साहब से भी हुआ था, उन्होंने कांग्रेस की रैली में गाना गाने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से उनके ऊपर 4 मई 1976 में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था, और ये प्रतिबंध आपातकाल के अंत तक लगा रहा। तो ये हम कार्यक्रम का अंतिम गीत आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो है मेरी और रोमा जी की आवाज़ में। फिल्म प्रेमनगर से हमने ये गीत लिया, जो 1974 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में किशोरदा का साथ आशा जी ने दिया। ये गीत हमने अचानक से रिकॉर्ड किया, क्योंकि गीत का मुखड़ा बहुत पसंद था, अचानक से दिमाग में आया कि गीत रिकॉर्ड करना चाहिए, तो बस बिना किसी खास प्रैक्टिस के हमने ये गीत रिकॉर्ड किया है। और आइए सुनते हैं ये गीत, प्यारा सा गीत तो बहुत प्यारा है। ठंडी हवाओं ने साजन का सजनी का घूंघट उठा दी, कुछ ऐसे ही बोले, आइए एंजॉय करें। ठंडी हवा ने गौरी का घूंघट उठा दिया, काली घटाओं ने साजन को नचट बना दिया। ठंडी हवा ने गौरी का घूंघट उठा दिया, काली घटाओं ने साजन को नचट बना दिया। नगर 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 पंचघट बना दिया, ठंडी हवा ने गौरी का घूंघट उठा दिया। बरखा बहार, बरखा बहार,
बदल ने रुत को काजल लगा दिया, गोरी का घूंघट उठा दिया। डम्बरू रिम जिम फुहार पड़े रिम जिम फुहार, तेरी नजर सब पे तुझे सबकी खबर पर ये पता के नहीं, मैंने जो सावन से कहा चुपके से वो तूने सुना के नहीं। झोंके में कली फूल हुई, शबनम को शबनम को शबनम को तुमने शोला बना दिया, साजन को नजपट बना दिया, नगर 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 पंचघट बना दिया, गोरी का मुंगट उठा दिया। ठंडी हवा ने गोरी का घूंघट उठा दिया, काली घटाओ ने साजन को नचपट बना दिया। हे ठंडी हवा ने गोरी का घूंघट उठा दिया, काली घटाओ ने साजन को नचपट बना दिया, नगर 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 पंचघट बना दिया, गोरी का घूंघट उठा दिया। डम्बुआ रे आयो रे, दोस्तों 1986 में किशोर कुमार साहब को दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से वो कम रिकॉर्डिंग करने लगे थे, बीमार पड़ने लगे थे। उनका मन था कि वो खंडवा वापस आ जाएं और अपना जो ये समय है उनका बीमारी का और उनका जैसा उनको फील हो रहा था ये उनका अंतिम समय है, वो खंडवा में व्यतीत करें। लेकिन अचानक दूसरा दिल का दौरा पड़ गया, जिसके कारण किशोर दा का देहांत 13 अक्टूबर 1987 में 58 वर्ष की आयु में ही हो गया। उनका पार्थिव शरीर और अंतिम संस्कार खंडवा में ही हुआ है। और ऐसे शानदार कलाकार जिनकी आवाज़ सदियों तक, जब तक चांद सितारे रहेंगे, लोग रहेंगे, दुनिया रहेगी, लोग गुनगुनाते रहेंगे, गाते रहेंगे, और हम सब तो उनके ऐसे भक्त हैं, हिडन भक्त हैं, उनको ऐसा चाहते हैं कि उनके गीतों को हर जगह गुनगुनाते हैं। और ऐसे ही महान कलाकार का आज जन्मदिन हम मना रहे हैं, उन्हें अपने स्वरों के माध्यम से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप वहाँ हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, और यहाँ से हम अपने गीतों को आप सबको तक पहुँचा रहे हैं। मेरे तमाम कलाकारों की ओर से मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। मैं मनोहर सोनी बैक ऑफ द स्टेज मधु सोनी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, और जल्दी ही हम लोग रक्षाबंधन मतलब 11 अगस्त और फिर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ संध्या।